बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आपने इस व्लॉग का आगाज़ हम सुबह से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारा दिन की जो हमारी रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल जी सुबह का टाइम है, नमाज और कुरान पाक के बाद जो अहम काम होता है ना गाँव की ख़वातीन का, वो होता है लस्सी बनाना। और आजकल मेरे पास दूध जो है वो थोड़ा कम है, इसलिए जो दूध होता है ना फिर मैं कहती हूँ लस्सी तो हमने बनानी होती है, तो फिर जो है मैं इसको इससे कर लेती हूँ। और ये रात को गर्मी थी और बंदा जो है ना वो ऐसे ही सोया हुआ था कमीज़ उतार के, है ना, पंखा चलाया सर्दी लगी और वैसे गर्मी लगती थी, तो इसने अपना कमीज़ उतार दिया, अभी ऐसे ही उठ के आ गए सुबह सुबह ही। चलो कमरे में, शेम हो रही है ना कमीज़ नहीं पहना हुआ आपने, फ़ोन चला दे। सुबह मोहम्मद सुबान खुश होकर चला गया जी कमरे में, और मैं लस्सी बनाती हूँ और उसके बाद बर्तनों की लाइन लगी हुई है वो धोऊंगी। तो रात को भी धोए थे लेकिन फिर भी सुबह कुछ ना कुछ बर्तन बन जाते हैं तो फिर धोएंगे वो। थोड़ा जल्दी खाना बनाना पड़ता है सुबह का नाश्ता, क्योंकि फजर खान जो उसने जाना होता है स्कूल, तो कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी से नाश्ता तैयार हो जाए और वो टाइम पर पहुँच जाए। लस्सी मैंने बना के रख लिया और अभी टाइम हो गया जी आटा गूंदने का। मैं आटा गूंद रही हूँ और साथ साथ में आज जो परिंदे हैं ना वो भी सुबह सुबह ही आके बैठ गए हैं, तो इनको भी बड़ी लगती है जी भूख, और साथ में थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है। ऐसे परिंदे को ठंड नहीं लगती, वो गए कहाँ? नीचे चले गए, गायब हो गए। मैं उनको देख रही थी, मैंने कहा देखें ये सुबह सुबह कैसे कतार बना के बैठे हैं, वो भाग गए। असल में यहाँ से उनको खुराक मिलती है ना, ये जो मकई है इसमें मकई भी है साथ में बाजरा भी है, वो आ गए फिर आ गए सारे। लाइन वाइज बैठते हैं माशाल्लाह, जो है चारे में से सूरज जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है, वो चारे में से नहीं उसके पीछे से दरख्तों के पीछे से। माशाल्लाह से जी सुबह का टाइम है और सुबह सुबह सूरज का मंजर जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और साथ में शबनम के कतरे जो हैं वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, जिसको हम लोग पंजाबी में बोलते हैं तरेल। तरेल आजकल तरेल पड़ना शुरू हो गई है और मौसम जो है वो अच्छा होता जा रहा है, तो यहाँ पे वो मैं देख रही थी ऐसे लग रहा था तो जैसे ना मोती हूँ, सेम ऐसे ही है ऊपर ऐसे शबनम के कतरे जो है ना वो गिरे हुए हैं। साइड पे इतने ज़्यादा इतने ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं तारिक साहब से बोल रही हूँ कि हम लोग जो है हैंडपम्प अपना यहाँ पे लगवाते हैं, क्योंकि उधर तो हमने सोलर प्लेट वाला भी एक पंप लगाना है, मोटर भी होगी सोलर प्लेट्स पे जो चलनी है बड़ी, उधर भी खुरा बन चुका है, तो यहाँ पे हैंडपम्प लगवाने का मकसद ये है कि जब गर्मियाँ होती हैं और उस टाइम यहाँ पर लोग जो है चारा वगैरह लेने के लिए आते हैं और ये पांदे करते हैं गन्ने के खेत से ना, तो उस टाइम वो पानी पीने आते हैं। तो मैं कहती हूँ घर से बाहर हैंडपम्प हो यहाँ पे, हमें भी अगर ज़रूरत हो तो हम भी उसको इस्तेमाल कर सकें, और बाकी जो बाहर से कोई पानी शानी पीने के लिए आता है ना वो भी उसको इस्तेमाल कर सके, इसलिए मैंने कहा घर से हम लोग बाहर लगा देते हैं। बाकी जी जैसे होगा इंशाल्लाह वो तो फिर देखा जाएगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि हम लोग यहाँ पर हैंडपम्प लगा दें। यहाँ पर जी हैंडपम्प लगवाएंगे, बाकी जो है इंशाल्लाह देखा जाएगा। तो असल में हमने तो टैंकी जो है वो रख लेनी है, उसमें पानी भर लेंगे तो वो भी इस्तेमाल करेंगे, बाकी एक घड़ा हो तो वो चलता रहता है तो हम घड़े दो कर लेंगे, तो वो हम पंप से ही पानी ले लिया करेंगे, लेकिन ये दूसरे लोगों के लिए जो है ना इस्तेमाल के लिए होगा, इसलिए हमने कहा कि हम इसको घर से बाहर लगाएँगे। बाकी सुबह का टाइम है जी, आज मैं थोड़ा जल्दी ही अपने व्लॉग भी स्टार्ट किया और जल्दी से ही काम स्टार्ट किए,
क्योंकि मैंने कहा साथ साथ में व्लॉग भी होता रहेगा। तारिक साहब ने भी आज जाना है, सच्ची मुझे याद आ गया, उन्होंने आज जाना है सोलर प्लेट्स का लेने के लिए। पता नहीं करना है आज, नहीं रोज़ कहेंगे कि आप रोज़ कहती हैं कि उन्हें पता करना है, पता नहीं करना, आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो सोलर प्लेट्स लेकर आएंगे, तो वो भी सरप्राइज़ आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है जल्दी से हम जो है करते हैं खाने की तैयारी। कैसे रखा था अभी देखते हैं कि ये ठीक भी है कि नहीं, क्योंकि रात को हमने बनाया था, थोड़ा सा फिर भी मसला बनता है ना। जबरदस्त पड़े, बस सोलर प्लेट आ जानी फिर फ्रिज ले हमने नहीं कोई, इंशाल्लाह फिर फ्रिज ले लेंगे। तो ये रात को बनाया था तो माशाल्लाह काफी अच्छा पड़ा हुआ है, ठीक ठाक है, इसका कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि रात को ना ठंड काफी ज्यादा थी इसलिए। तो अभी आप कहेंगे कि आप कह रही थी कि गर्मी थी होती है कमरे में, तो कमरा जो है ना वो अभी लिपाई हुआ है कि पता नहीं क्या मसला है उसमें, ये गर्म होता है, गर्म नहीं हबस सी है, हबस सी बनी हुई नहीं, ये सर्दियों में गर्म होता है मट्टी वाला कमरा और गर्मियों में ठंडा होता है, ठंडा होता है, वही ना यही मसला है कि भाई ये अभी अभी गर्म है। तो ये वाला कमरा जब था ना तो हम लोग रात को इसमें रहते थे ना, सोते थे, तो इतना ज्यादा ये भी गर्म था और सेम इसी तरह वो भी है। तो इंशाल्लाह जी बाकी अभी काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं जला रही हूँ यहाँ पे आग, आग थोड़ी सी मुश्किल जलती है तो इसलिए फिर मैं तारिक साहब से हमेशा कहती हूँ आग जला के दे दें, लकड़ियाँ तो हमारी पड़ी हुई हैं तो यहाँ पे जल्दी से हम आग जलाते हैं। ये छतें भी कल तैयार कर दी थी ना दोनों, हाँ जी माशाल्लाह हमारी छतें जो है वो भी दोनों तैयार हो चुकी हैं, हमने एक बार फिर से ऊपर इसकी ना लिपाई करवा दी तो ये अब पक्की हो जाएंगी, मजबूत हो गई। तो ये भी है मेरी ख्वाहिश कि हम इसको अभी लिपाई कर दें, सारा एक जैसा हो जाएगा। तो तारिक साहब कहते हैं कि इसको हम पोजा लगा देंगे जैसे इधर लगा हुआ वो उस दीवार को लगा हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि हम एक बार इसकी लिपाई कर देंगे, सारे जो सुराख हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर इसकी तरह लिपाई कर देंगे इंशाल्लाह। सुबह सुबह जी अभी हो रही है फजर की तैयारी, मैंने कहा इसका मुंह धुलवा देते हैं और उसके बाद मैं तवा रखूंगी ऊपर, पीछे 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 रखो। तो अभी जी यहाँ पे हम बना रहे हैं रोटियाँ, नाश्ता सुबह का, बिस्मिल्लाह। आज हम बना रहे हैं मक्खन वाले पराठे, शुक्र है हमारी डाल लगी और ऑयल से जान छोटी, तो इंशाल्लाह आइंदा से जो है ना रोज़ लस्सी भी बनाएंगे और साथ में मक्खन वाले पराठे भी। सुबह सुबह जो है ठंडी ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई है, अभी हवाएं चलेंगी, हवाएं ठंडी ठंडी क्योंकि मौसम बन रहा है ना सर्दी का, धुंध भी है इधर उधर थोड़ी थोड़ी। तारिक साहब आप फजर को नाश्ता करवा लो, मैं इनको देती हूँ, ये मैं आपको रोटी दूंगी, आप इनको भी देना और फजर को भी खिलाओ, फिर उसके बाद मैं उसको यूनिफॉर्म पहना लूँगी।
तो जी नाश्ते के बाद अभी मैंने फजर को स्कूल के लिए तैयार कर दी है, फजर स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है और मोहम्मद सुबहान जो है वो भी चाय की मूछे बना के मोटरसाइकिल पे बैठ चुका है कि मैंने भी जाना है। फजर नहीं गिर जाएगा, फजर गिर जाएगा, अभी ऐसे नहीं बैठना, जब बाबा बैठ जाएंगे ना तो फिर आपने बैठना है। फजर को स्कूल भेजते हैं और तारिक साहब जाएंगे अपने काम पे और मैं फिर करूंगी अपना काम, जो मेरी रूटीन होगी वो मैं साथ साथ में शेयर करती रहूंगी। और आपने नहीं जाना, क्यों इधर दूध तो नहीं गिर गया दूध गिर गया, दूध को पता है हल्की आग पे रखना है ना। चलें ठीक है, ये रखें अपना मोबाइल और अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया, चल अमान हवाले रब दे। तो तारिक साहब जो है ना उन्होंने फिर वापस आना था लेकिन मोहम्मद सुबहान ने जिद कर दी कि मैंने भी जाना है साथ। बाय बाय, इसको उतारना पड़ेगा वहाँ पे ना। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम जो है वो तकरीबन हो चुका है 9:30 का इतना ही, और मैंने जो है अपने घर का सारा काम जो है वो कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल हो गया और यहाँ पे भी ठंडी ठंडी छांव के नीचे बैठे हैं। लेकिन ये टाइम जो है वो छांव पे बैठने का नहीं है बल्कि काम का है, क्योंकि तारिक साहब जाते हुए मेरे एक काम जो है वो ज़िम्मी लगा के गए थे, तो अभी मैं वो करती हूँ। और यहाँ पर मैंने कहा आपको फूल भी दिखा देती हूँ कि जो कल मैंने फूल लगाए थे ना माशाल्लाह वो अभी हो चुके हैं, यानी कि आज इन्होंने फूल निकाल लिए हैं और इस साइड पे जो लगाए हैं वो फ़िलहाल नहीं हुए। तो आज घड़ा जो है इसको मैंने रख दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये ठंडी ठंडी जगह है ना तो यहाँ पे ये ठीक रहेगा ठंडी जगह पे। और बाकी ये है कि कोई भी अगर पीने के लिए पानी आता है तो उसको भी मसला नहीं होगा कि घर में वो जाए तो यहीं से पानी जो है वो पी लेंगे। तो कैन भी पानी की भर के रख दी है। तो अभी चलते हैं और जाके अपना जो काम है हमारा करने वाला जो तारिक साहब ने ज़िम्मे लगाया है ना वो करते हैं। तो अभी जी हम यहाँ पे लेकर आए हैं रेड़ी, और रेड़ी में डालेंगे ये रेत, क्योंकि ये वाली जो जगह है ये थोड़ी सी ऊंची पड़ी हुई है। तो तारिक साहब ने कहा है कि यहाँ से रेत उठा के कुछ उधर डाल देते हैं क्योंकि मिट्टी पूरी नहीं आएगी, तो फिर ये वाला एक ही लेवल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कोई चीज़ काश्त कर देंगे, ये कचरा वगैरह उठा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेत जो है वो मिट्टी से भी ज़्यादा वजनी है। यहाँ पे जी हमारी जो रेड़ी है ना वो भी हो चुकी है उल्टी, वो उल्टी होगी। तो ऐसे करके हम सारी रेत जो है यहाँ पे डाल लेते हैं, क्योंकि तारिक साहब कहते हैं कि जो ये वाला किचन हमने बनाना है ना ये ऊंचा बनाना है, ऐसे वहाँ से ऊपर आए और यहाँ पे सारा सिस्टम हो और ऊंची बैठ के कुकिंग करें। तो अभी जी दोपहर का टाइम हो चुका है और आज दोपहर के खाने में हम लोग जो है कुछ स्पेशल ही खाने वाले हैं,
वो पहले वाला जो देसी माहौल है ना उसका दोबारा से हमने उजागर कर दिया। आज तारिक साहब नहीं थे तो सब्जी भी नहीं आई, ना ही वो अभी तक लौटे हैं। तकरीबन जो है 1:30 बजे का टाइम हो गया, तो जो वो आएंगे तो सब्जी वगैरह लेकर आएंगे। बार बार हम लोग कॉलें भी कर रहे हैं और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। और यहाँ पे जो है आज हमने बनाया है तंदूरी रोटी और साथ में चट्टन पुलाव यानी कि चटनी। ये हमारे पास दही है और मैंने इसमें मिर्चें जो है वो कूट ली हैं पहले ही। तो आज हम दही वाली जो चटनी होती है उसके साथ दोपहर का खाना खाने वाले हैं। इतना दिल नहीं है। और साथ में ये अचार, तो ये जो अंकल ने अचार दिया था जिनके पास हम गए थे, अगर किसी को पता हो तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अचार था उनका। मैं सोच रही हूँ कि मैं अब फिर एक बार जाऊँ अचार लेकर आऊँ, क्योंकि वो इतना मज़े का उनका अचार था कि हम लोग घर में बनाएं तो इतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन उनके हाथ का टेस्ट ही है। वो बोल रहे थे कि हम लोग थोड़ा नहीं बनाते, एक पूरा ड्रम बनाते हैं, वो सभी को इसी तरह गिफ्ट के तौर पर देते हैं। उन्होंने ये डिब्बा भर के दिया था, तो माशाल्लाह हम खा गए, थोड़ा बहुत पड़ा हुआ। इस साइड पर हमारा जो है ये खुरा भी तैयार हो गया, ये एक और खुरा बना। ये रेतली असल में है ना, रेत है तो फिर वो बह जाती है, इसलिए यहाँ पे काम जो भी है वो पक्का करना पड़ता है। अभी ये जो पानी है ना वो इधर आएगा, यहाँ पे इसमें जमा होके फिर आगे नाले में जाएगा। अगर डायरेक्ट इधर से आए और यहाँ पे तो फिर आगे वैसे ही गढ़ा बन जाना था जैसे यहाँ पे पहले बना हुआ था, इसलिए फिर हमने ये वाली बनवाई और इसमें आगे अभी पानी जो है वो नाले में जाएगा। अभी बातें काम करते हैं और रोटी जो है वो खा लेते हैं, क्योंकि रोटियाँ ठंडी हो रही हैं और खानी भी आज चटनी के साथ है, मज़ा ही आ जाएगा। तो हमेशा हर हाल में जो है ना इंसान को वो करना चाहिए, यानी कि कल हमने गोश्त खाया आज हम चटनी खा रहे हैं तो कहना कि हमने खानी नहीं खानी, अभी हम खाते हैं चटनी के साथ। तो अभी जी माशाल्लाह से सूरज जो है वो ग़ुरूब होने वाला है, और घर की एक सुबह टाइम सफाई होती है और एक होती है सेकंड टाइम सफाई। अभी सेकंड टाइम वाली सफाई भी हो चुकी है और घर फिर से चमक गया, क्योंकि आज सुबह ही ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू होगी, तो आपको पता है रेत है तो फिर रेत गर्मी आ जाती है, इसलिए सेकंड टाइम फिर सफाई की है। और आज तारिक साहब की जो बाइक है ना वो भी चमक रही है, वो उसको थोड़ा बहुत जो है ना सेटिंग वेटिंग उसकी होने वाली थी, सर्विस होने वाली थी, वो करवाई है उन्होंने, वो भी आ चुके हैं, लेकिन प्लेटें आज फिर नहीं मिली। उन्होंने कहा भाई हमने आज शाम का नाम लिया था कि आज शाम को आएंगी और कल आप लेकर जाना, तो इन्हें ऐसे ही जो है एक समझ लो धक्का पड़ा है और ये चले गए, लेकिन इंशाल्लाह कल ज़रूर आ जाएंगी। बाकी जी आज हमने बनाई है ये दो, क्या इसको बोलते हैं, नीयां पंजाबी में बोलते हैं, नी जो लगाते हैं ज़मीन में और इस पर बर्तन जो है वो टांगते हैं या जो भी कह लें, क्योंकि हमारे इतने सारे जो बर्तन हैं ना वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, ये चरवियाँ पंजाबी में बोलते हैं इनको, वो तो इस तरह के देगचियाँ वगैरह ना, तो वो ऊपर खड़ी हों तो अच्छी लगती है बजाय नीचे इधर उधर पड़ी हों, तो वो उसकी। बाकी जी जो दूसरी बात आज सबके साथ शेयर करनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दूसरी फैमिली हमारे पास आने वाली थी वो भी शिफ्ट हो चुके हैं, तो जारी बात है वो तो वीडियो में नहीं आते बाकी, लेकिन उनके बच्चे हैं बस, वो भी बिल्कुल छोटी सी फैमिली है, दो उनके बच्चे हैं और दो वो मियाँ बीवी हैं, जिस तरह हम दो हम हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी और दो हमारे बच्चे, तो ये इनके बच्चे हैं, तो इंशाल्लाह अभी जो है ये हमारे साथ रहेंगे। कल से उनके घर का काम शुरू कर देंगे, बाकी इंशाल्लाह जी कल से जो है उनके घर का काम जो है वो भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये वाला काम जो है ये काफ़ी रहता है इस साइड पे। वैसे तो उन्होंने अपना थोड़ा बहुत जो सामान है वो इधर शिफ्ट कर लिया है, बिस्तर वगैरह, लेकिन कुछ सामान उधर हमारे कमरे में पड़ा है, क्योंकि वो जो है रात को उधर ही रहेंगे जब तक उनके घर की दीवारें जो ये चार दीवारी है वो भी बनेगी, और साथ में इधर वाली जो सारी सेटिंग शेटिंग होने वाली रहती है ना वो भी हो जाएगी, तो उसके बाद जो है वो फिर अपने इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन तब तक हम उनका खाना वगैरह जो है वो हमारे घर में ही होगा जब तक उनके हमले ये सारी चीज़ें जो है वो तैयार नहीं हो जाती। बाकी मुझे था कि आज ये भरी भरी होंगी, मैं इस चीज़ का सरप्राइज़ दूँगी, सबको दिखाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलें जी कल इंशाल्लाह। हाँ जी हाँ कांटे हैं तो आप जूता पहना करो ना। तो इंशाल्लाह जी कल ये वाला भी काम हो जाएगा, और बाकी हमसायों की हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है। बस जी अभी इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। छुप गया।